जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, ये जो आपका बीएड चतुर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है, हम लोग आज इस वीडियो में इसके जो है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस को देखने वाले हैं। पहले आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो पेपर एनालिसिस है इंक्लूडिंग 2022 का जो आपका पेपर है उसके साथ प्रीवियस ईयर में जितना भी आपका पेपर है 2018-17 तक का, इसमें मैंने लिखा है। इसकी खासियत ये होगी इस वीडियो की कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आप लास्ट में पेपर सब देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा है, फिर वो दिमाग में रखना एक मुश्किल टास्क होता है। तो यहाँ पर आपको यूनिट वन से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हम यूनिट वाइज कवर करेंगे कि जैसे पहला इकाई है यूनिट वन है जो आपका, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक वो सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिलेंगे। ऐसे ही यूनिट टू में 2022 में 21 में 19 में 17 में कौन सा प्रश्न पूछा गया वो आपको एक जगह यूनिट टू में देखने को मिलेगा। ऐसे ही यूनिट थ्री और यूनिट फोर में, जो आपके काम को काफ़ी आसान कर देगा। तो इतनी मेहनत आपके लिए की जाती है, तो उसके लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से इसको जो है साझा भी करिएगा। देखिए, जब हम बात करेंगे इसको यूनिट वाइज तो हम ये भी समझेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है और कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार फ्रिक्वेंट जो है आ रहा है और उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। तो जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या पढ़ना है। उससे पहले ये देखना कि क्या नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक को आपको लॉन्ग वे उतना ध्यान से नहीं पढ़ना है। तो पहले अपने हर एक एक यूनिट से उस एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को निकालेंगे आप, जो कि आपका चार होगा। शॉर्ट के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट के लिए मैंने मैराथन करवा दूंगी आपको, जल्द से जल्द मैं उसकी कोशिश करूंगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाए। ठीक, तो लॉन्ग में पहले यहाँ पर देखेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो आपका पेपर है, सरल है, आप इसको स्वयं से भी बना कर लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे व्यवहारिक पहलू से है। क्योंकि हर समय आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप किसी न किसी को किसी न किसी रूप में निर्देशन परामर्श देते ही रहते हैं। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले यूनिट वन की। तो यूनिट वन का हमने एक टॉपिक ऑलरेडी कवर भी किया है कि गाइडेंस क्या होता है, उसका नेचर, स्कोप। तो 2022 में जो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा था वो ये पूछा था कि गाइडेंस क्या है, व्हाट इज़ गाइडेंस, निर्देशन क्या है, नेचर, स्कोप एंड वर्क ऑफ गाइडेंस, इसके साथ बेसिक अजम्पशन ऑफ गाइडेंस, जो निर्देशन है उसके जो है आपके मूलभूत धारणाएं क्या है, ये आपसे 2022 में पूछा गया था। 2019 की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसकी ज़रूरत और ऑब्जेक्टिव को बताइए। डिस्कस द मॉडर्न ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ गाइडेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो क्या समस्याएं हैं और क्या अभी प्रचलन में जो निर्देशन की चीज़ें चल रही हैं, क्या नया नया स्कोप आया है, वो सारी चीज़ें। फिर से नेचर ऑफ गाइडेंस एंड डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड गाइडेंस, तो मिला जुला करके ये जो प्रश्न है इसमें आपको एजुकेशनल गाइडेंस को ही पूछा है और साथ में नेचर और गाइडेंस को पूछा है कि मतलब शिक्षा का और जो निर्देशन है दोनों का क्या संबंध है। एक्सप्लेन द नीड ऑफ गाइडेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हाट टाइप ऑफ गाइडेंस शुड बी प्रोवाइडेड इन स्कूल, स्कूल में किस प्रकार की गाइडेंस हमें प्रोवाइड करनी चाहिए और क्यों। नीड एंड इम्पॉर्टेंस, 2017 का पेपर देखें तो नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस यहाँ देखिए साइड में लिखा है। इसके साथ 22 में एक प्रश्न वहाँ था, एक प्रश्न ये है कि प्रॉब्लम ऑफ गाइडेंस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये जो प्रश्न है ये आपका 17 में भी पूछा है और 22 में भी पूछा है, जो प्रॉब्लम है कि भाई भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या है। और अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 2018 का भी जो पहला प्रश्न है उसमें यही चीज़ पूछा गया था, सेकेंड पार्ट जो है सिर्फ चेंज कर दिया गया है। क्लियर हो रहा है? तो ये आपका पहला यूनिट से क्वेश्चन था जिसमें कि अगर मैं बताऊं तो आप सबसे पहले तो जो मैंने एक वीडियो कराई हुई है कि गाइडेंस क्या होता है इसको समझिए पूरी वीडियो में ध्यान से पहले, क्योंकि जो पेपर आपका नाम ही है गाइडेंस तो निश्चित एक क्वेश्चन आएगा। तो गाइडेंस है क्या, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषताएँ, उसकी ज़रूरतें, उसका स्कोप, उसके प्रिंसिपल्स, उसके बेसिक ट्रेंड्स, ये प्रश्न को आप सबसे पहले यहाँ पर कवर करिए, उसके बाद किसी और तरफ आप अपना दिमाग जो है दौड़ाइए। अब यूनिट टू की बात करते हैं तो 2022 में पूछा गया है कि व्हाट इज़ गाइडेंस और टाइप्स ऑफ गाइडेंस। आपके पेपर में देखा जाए तो सिलेबस में तीन प्रकार के गाइडेंस आपको दिए गए हैं, तीनों कौन कौन से हैं, तो तीनों को आपका वी है, ई है और आपका जो है
वोकेशनल गाइडेंस है, एजुकेशनल गाइडेंस है और पर्सनल गाइडेंस है, VEP, जिसे हम VIP कहते हैं ना, तो इसी से आप याद रखेंगे VEP। ये आपके तीन प्रकार के गाइडेंस जो आपके सिलेबस में भी और जो आपके परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, वोकेशनल व्यावसायिक, एजुकेशनल शैक्षिक और P से पर्सनल व्यक्तिगत। तो ये तीन प्रकार के गाइडेंस से सेकेंड यूनिट आपका है, आप तीनों ही गाइडेंस को पढ़ेंगे क्योंकि तीनों ही आपके प्रश्न में पूछा है। 2022 में देखिए पूछा था कि कितने प्रकार के हैं, तो सबको आप थोड़ा थोड़ा बताएंगे और एजुकेशनल गाइडेंस डिटेल में आपसे पूछा गया था। इसके अलावा बात करें तो 2022 में जो दूसरा प्रश्न था वो नीड ऑफ़ गाइडेंस पूछा था कि नीड ऑफ़ गाइडेंस जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए नीड ऑफ़ गाइडेंस की क्या ज़रूरत होती है। तो स्पेशल चिल्ड्रन में बहुत सारे लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं कि कौन कौन आता है, तो हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे कि पहले तो समझेंगे कि स्पेशल चिल्ड्रन कहते किसको हैं, उसके साथ समझेंगे कि स्पेशल चिल्ड्रन का मैं आपको एक चार्ट भी प्रोवाइड करूँगी जिसमें जो जो बच्चे उसमें आते हैं उन सबका है, तो वो चार्ट आप एग्ज़ाम में ज़रूर बनाएंगे, आपके डायग्राम के काम करेगा। इसके साथ उसको उसी चार्ट के माध्यम से हम अलग अलग बच्चों के बारे में थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो भी हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड है नीड एंड प्रोसीजर ऑफ पर्सनल गाइडेंस, 2019 का है आपका ये पेपर। पर्सनल गाइडेंस जो आपका व्यक्तिगत निर्देशन है, इसकी क्या आवश्यकता है और इसका क्या स्टेप होता है, क्या प्रोसीजर है। इसके अलावा वोकेशनल गाइडेंस क्या है, इट्स इम्पॉर्टेंस। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो तीन प्रकार के गाइडेंस मैंने आपको बताए उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, VEP। तीनों आपसे आप देखेंगे कि पूछा ही पूछा है, तो आपको पढ़ना यहाँ तीनों है, ये नहीं है कि इसमें कोई एक इम्पॉर्टेंट है, तीनों आसान है, काफ़ी आसान है, मतलब आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, बस एक बार आप पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। उसका इम्पोर्टेंस पूछा है, फिर यहाँ पर्सनल गाइडेंस पूछा है और इसके साथ क्वेश्चन बस लगा दिया है कि डिस्क्राइब द नीड ऑफ गाइडेंस फॉर स्पेशल चिल्ड्रेन। जो स्पेशल बच्चे होते हैं इनको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा क्योंकि ये टेल क्वेश्चन के रूप में जो है लगा दे रहा है, इनकी क्या ज़रूरत है इसको आप बताएंगे। फिर आपसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल गाइडेंस। अब देखिए यहाँ फिर से एजुकेशनल गाइडेंस पूछ दिया और साथ में किस लेवल के लिए कहा है, सेकेंडरी लेवल के लिए, कि जैसे आप जब पढ़ेंगे गाइडेंस को, निर्देशन को, तो वहाँ जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो गाइडेंस के अलग अलग लेवल हैं वो कौन से हैं, जो विद्यालय के आपके स्तर होते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर पर। तो यहाँ जिसको फोकस करके बताया है वो माध्यमिक को, तो हम माध्यमिक को डेप्थ में पढ़ेंगे। टू वॉट एक्सटेंट टीचर कैन असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस फॉर स्पेशल नीड चिल्ड्रेन, एक शिक्षक किस प्रकार से अपना सहयोग दे सकते हैं, ये स्पेशल नीड वाले में ही आ जाएगा। सो यूनिट टू से, यूनिट वन से मैंने आपको बताया आपको क्या पढ़ना है। यूनिट टू से सबसे पहले तो जो VEP है आप एक ये पढ़ेंगे और एक टॉपिक आप स्पेशल चिल्ड्रन के लिए पढ़ेंगे, ये दो टॉपिक में आपका यूनिट टू पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई भी आप पार्ट छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसमें पूरा मतलब मिक्स करके दे रहा है, तो एक छोड़ना और छोड़ने का आशय भी नहीं है क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है और ये टॉपिक आसान है, तो छोड़ के जाने का कोई मतलब है नहीं, तो आप इसको पूरा करेंगे अच्छे से, हम लोग इसको जो कवर करेंगे। इसके बाद जब तीसरे यूनिट पे आते हैं तो अब थर्ड और फोर्थ आपके काउंसलिंग से संबंधित होता है। तो काउंसलिंग की जब हम बात करेंगे तो 2022 में आपसे पूछा था व्हाट इज काउंसलिंग एंड डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न पूछा था, काउंसलिंग क्या होता है, पहले इसको भी जैसे हमने गाइडेंस को समझा है पहले हम परामर्श को समझेंगे कि परामर्श होता क्या है, परामर्श की विशेषताएँ क्या हैं, परामर्श के क्षेत्र क्या हैं, परामर्श की मूलभूत धारणाएँ क्या हैं, सब चीज़ समझने के बाद ये जो डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव है ये आपके टेक्निक्स या टाइप्स ऑफ काउंसलिंग में आएंगे, जो तीन प्रकार के आप देखेंगे, एक डायरेक्टिव, एक नॉन डायरेक्टिव और तीसरा आपका इक्लेक्टिक अप्रोच है, अप्रोच या फिर टाइप में है तो टाइप में लिख दीजिए, ये क्या होता है इसको आप समझेंगे। देखिए ये जो निर्देशन और परामर्श का आपका पेपर है ना, जैसे कुछ हर एक पेपर की अपनी अलग अलग बनावट होती है, तो ये जो है ना ये लोग जब तक आप इस पेपर के कॉन्सेप्ट को या यू कह लें जिस्ट को नहीं समझेंगे आप प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे पेपर होते हैं जिनमें टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछ देता है और आप उतना रट कर चले जाते हैं, आपका काम हो जाता है, लेकिन ये सब पेपर समझ पर है जो प्रश्न में थोड़े थोड़े चेंजेस करके आपको घुमाने का काम करते हैं। तो रटने से ज़्यादा इस पर फोकस ये करिए कि आप हर एक एक संप्रत्यय को पढ़ कर जाइए और वहाँ पर उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग आप लिखिए। तो हम लोग इसमें जो है मिनिमम छोड़ेंगे क्योंकि शॉर्ट में भी आपको ये सारी पढ़नी ही पढ़नी है, तो अच्छे से पढ़ के जाइए, अच्छे से नंबर लेकर जाइए। अब इसके बाद तो लास्ट ही है आपका, इसके बाद तो आप बीएड दोबारा करेंगे नहीं, तो मन से शिद्दत के साथ अच्छे से इसको पढ़िए और ये आपको आगे भी बहुत काम आएगा क्योंकि एज अ टीचर आपके सामने अलग अलग प्रकार के बच्चे आएंगे, तो अगर आप सबके बारे में पढ़े रहेंगे, स्पेशल नीड्स को पढ़े रहेंगे, अलग अलग अप्रोच पता होगा, तो क्या पता आप उसको वास्तविकता में ला पाएँ,
आपका इंटरेस्ट अगर उस क्षेत्र में है तो आप बच्चे की प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएँ। इसके बाद 2022 में ये था, इसके बाद 2019 का आपका है रेलेवेंस ऑफ काउंसलिंग इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, आज के समय में इसकी प्रासंगिकता। और जो आप काउंसलिंग सर्विसेज होते हैं, जो संगठन वाली हम बात करते हैं, उसको विद्यालय में आप किस प्रकार से जो है ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेप ऑफ काउंसलिंग, ये भी 2019 का प्रश्न है। स्टेप ऑफ काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग उसी वीडियो में कवर करेंगे। 18 में पूछा है भाई काउंसलिंग है क्या और ये कैसे गाइडेंस से अलग है। तो आप देख रहे हैं कि यूनिट जो 3 है, 3 चल रहा है ना हमारा, हाँ यूनिट 3 है। यूनिट 3 में डिफरेंस से काफ़ी क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन आपने पहला ही देखा, डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं गाइडेंस और काउंसलिंग में डिफरेंस, तो दोनों डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। एक्लेक्टिक अप्रोच, देखिए डायरेक्टिव नॉन डायरेक्टिव पूछ दिया, एक्लेक्टिव भी आपसे पूछ दिया है, तो पढ़ना आपको सब है क्योंकि आप देख रहे हैं पेपर वाइज काउंसलिंग कॉमन टॉपिक है, लेकिन जो सेकंड पार्ट लगा दे रहा है उसमें कभी किसी को लगा दे रहा है, कभी किसी को, तो आप किसी को इसमें छोड़ नहीं पाएंगे। इसके साथ स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, फिर स्टेप्स आपसे पूछ दिया, पीछे भी अभी स्टेप और काउंसलिंग ऑब्जेक्टिव पूछा था। फिर काउंसलिंग क्या है, ऐसे लिखना है फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ काउंसलिंग, दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, दार्शनिक आधार, किस प्रकार से पहले के समय से जो दर्शन है, दर्शन में जो नैतिकता है, जो मूल तत्व है, वही तो आपके परामर्श में, परामर्श की भी अगर आप प्रकृति देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारा दर्शन से मिलता जुलता होता है। हम जो उसमें अगर व्यक्ति के पास कोई समस्या है तो हम कहते हैं ना कि ठीक है भगवान है सब अच्छा हो जाएगा देखो, तो ये क्या, हाँ भगवान जैसी चीज़ क्या आपने देखी है, भगवान नहीं, तो ये किसकी बात करता है, दर्शन को ही तो कहता है, तो ये उसके बारे में भी आपको बताना होगा। इसके अलावा देखिए अगर इस वाले में आप सिर्फ टाइप्स टेक्निक्स पढ़ लेते हैं, काउंसलिंग क्या है उसको पढ़ लेते हैं, स्टेप और ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए दूसरी बार पूछा है डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव के बीच में डिफरेंस और प्रिंसिपल प्रोविजन्स। काउंसलिंग इन द डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोविजन इज नॉट ऑफ एम्स, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। अब ये आपसे पूछा है कि भाई डायरेक्टेड और नॉन डायरेक्टेड काउंसलिंग के बीच में डिफरेंस बताइए, और बताना है आपको कि ये जो काउंसलिंग है इज द डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजन्स नॉट ऑफ एम्स। मतलब इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग कर रहे हैं, नॉन डायरेक्टिव कर रहे हैं, चाहे इक्लेक्टिव कर रहे हैं, एम सबका एक ही है, सामने वाले की समस्या को हल करना। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, सामने वाले की समस्या को हल करना, सिर्फ उसका तरीका और प्रिंसिपल अलग है, बस सिद्धांत अलग अलग है। जैसे हम कहते हैं ना पकड़ना हमको का नहीं है, अब सीधे हाथ से पकड़ें चाहे टेढ़े से पकड़ें चाहे जैसे पकड़ें, तो वही वाली बात इसमें ये स्टेटमेंट में रुका है, उसको जस्टिफाई करना है, डिस्कस करना है। तो सिंपल सी बात है कि आपको लिखना क्या है भाई, डायरेक्टिव की अलग लिखना है, नॉन डायरेक्टिव का अलग लिखना है, कि एक आपका टीचर सेंटर्ड होगा, एक चाइल्ड सेंटर्ड या फिर प्रॉब्लम क्लाइंट सेंटर्ड होगा। 2022 में फिर वही 19 वाला एक और क्वेश्चन पूछा है कि हाउ विल यू ऑर्गेनाइज गाइडेंस सर्विस इन स्कूल। यही क्वेश्चन आप देखिए 2019 में पूछा था, जब स्टार्टिंग में हमने कराया है ना, यही वाला, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज काउंसलिंग सर्विस इन स्कूल। बस इसमें देखिए पहला स्टार्टिंग का ए पार्ट बदल दिया है, तो इस पेपर में आपको ये चीज़ काफ़ी देखने को मिलेगी कि ए को बी के साथ मिला दिए, बी को सी के साथ मिला दिए, ये काम ये लोग काफ़ी कर रहे हैं। अब आते हैं यूनिट 3 हो गया, अब आते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़नी है, अभी हम चारों का एक बार समराइज़ करके बता देंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग कम पढ़ना चाहते हैं तो उनके कम में कितना वो कम पढ़ेंगे। यहाँ पे 2022 में आपसे सबसे पहला प्रश्न इंटरव्यू पूछा है कि इंटरव्यू टेक्निक क्या है, उसकी यूटिलिटी को ब्रीफ मतलब डिस्कस करिए अच्छे से। वेरियस टेक्निक्स ऑफ इवेल्यूएशन क्या क्या है गाइडेंस में, उनके प्रक्रिया और यूटिलिटी ऑफ इंटरव्यू, फिर से देखिए इंटरव्यू को डीप में आपको यहाँ बताना है 19 के पेपर में भी। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ अ गुड टेस्ट फॉर गाइडेंस, जो आपका निर्देशन है यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन बताना है साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो है, और उसकी क्वालिटी मतलब अगर कोई निर्देशन कराना है हमको तो उसके लिए एक गुड टेस्ट की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए इसको बताना है। व्हाट आर नॉन स्टैंडराइज टेक्निक्स, जब आप टेक्निक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ आप पढ़ेंगे कि स्टैंडराइज होती है एक नॉन स्टैंडराइज, एक प्रमापीकृत और एक अप्रमापीकृत, तो यहाँ पर उसको कैसे दोनों का है, नॉन स्टैंडराइज आपको लिखना है और साथ में उसमें डिटेल में किसको लिखना है, क्वेश्चनायर को, तो दो डिटेलिंग में आ गई, जो डिटेल में आई उसको ध्यान रखिएगा, दो बार इंटरव्यू आ चुका है, एक बार क्वेश्चनायर आ चुका है, तो जब आप पढ़ेंगे तो इसको आप ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे क्योंकि ये पूछा जा सकता है।
डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज इन राइटिंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज। तो मिला जुला करके क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एक आपका टॉपिक है, उस पूरे टॉपिक को आप पढ़ करके जाएंगे, उससे कुछ भी सवाल आएगा आपको लिखना वही है, मास्टर आंसर रहेगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। वॉट आर नॉन स्टैंडर्डाइज टेक्निक, फिर से आपसे नॉन स्टैंडर्डाइज टेक्निक पूछा है इवेलुएशन का गाइडेंस में। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द इंटरव्यू टेक्निक, फिर से इंटरव्यू तीसरी बार आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए यही फ़ायदा होता है जब आप पेपर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन का जो एग्जामिनर पूछता है उसका एक पैटर्न समझ में आता है कि इस इकाई से हमको इतना पढ़ना है, इस इकाई पर इतना ध्यान देना है। What do you mean by cumulative record? Importance बताना है record का counseling के लिए, बिल्कुल वही बात है कि भाई आपको simple सा cumulative record का पूरा आपको बताना है। Standardized test 2022 में दो बार non standardized test पूछा है, 2022 में जो दूसरा प्रश्न था उसमें standardized test पूछा है और उसमें से बोला है किसी भी एक को आप डिटेल में करिए जो आपका मन हो, क्लियर है। तो ये आपका यूनिट 4 का जो है टॉपिक था। अब हम बात करते हैं अगर इन सब को मिला करके कि भाई हमको हर एक एक यूनिट से कौन कौन सा हमको प्रश्न पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर यूनिट 1 से बात करें तो सबसे पहले तो जो गाइडेंस है आपका, जो निर्देशन है, इसको अच्छे से पढ़ना है। निर्देशन क्या है, उसकी प्रकृति, उसके स्कोप को, उसके नेचर को, उसके बेसिक अजम्पशंस को, जो ट्रेंड्स है, सभी चीज़ों को आपको यहाँ बेसिक में एक बार पढ़ना है। ये तो बात रही यूनिट 2 की, क्लियर हुई। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर हम यूनिट 2 की बात करें हम कि आपके यूनिट 2 में क्या है कि जो उसके टाइप हैं, जो VEP है, VEP पढ़ना है, साथ में स्पेशल को पढ़ना है। लॉन्ग के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक कवर कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये चीज़ निश्चित है, और आप बहुत अच्छे अंक लेकर आएंगे अगर थोड़ा सा अपना दिमाग और बुद्धि का प्रयोग कर लेंगे। VEP क्या है आपका, वोकेशनल एजुकेशनल पर्सनल और स्पेशल चिल्ड्रन के केस को पढ़ेंगे। ये दो यूनिट का समझ में आया। अब आइए तीसरे और चौथे पर। तीसरा यूनिट जो आपका कहता है वो आ जाता है काउंसलिंग से संबंधित। तो जैसे गाइडेंस में सब कुछ पढ़ा वैसे ही यहाँ काउंसलिंग में सब कुछ पढ़ेंगे। काउंसलिंग क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी एजम्पशंस क्या है, काउंसलिंग के सिद्धांत क्या क्या है, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे आप, ठीक। मतलब हम लोग मिलकर ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे। इसके साथ यहाँ आपको डिफरेंस भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डिफरेंस किसके बीच में, काउंसलिंग के बीच में और गाइडेंस के बीच में डिफरेंस पढ़ना है। इसी यूनिट में आपको एक और बात पढ़नी है जो है टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। ये दोनों क्वेश्चन ईजी हैं, आपको ये भी पढ़ना है, ये नहीं कि दोनों में से कोई एक, क्योंकि प्रश्न आपके और पार्ट में दिया है तो आप दोनों को पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है। टेक्निक में आपको जो तीनों है, आपका डायरेक्टिव है, नॉन डायरेक्टिव है या फिर एक्लेक्टिक है, DNE तीनों टेक्निक आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। चाहे तो टेक्निक को आप याद रख सकते हैं कि टेक्निक आपकी कैसी है, एंड है। एक्लेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और डायरेक्टिव टेक्निक, ये तीन टेक्निक जो है, तीनों टेक्निक और डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव के बीच में डिफरेंस, ये सारी चीज़ों को आपने उसमें पढ़ना है। अब यहाँ एक बात है कि जो डिफरेंस हम कह रहे हैं फिर पढ़ने को कह रहे हैं, तो ये कोई अलग बात नहीं है। जब आपको उसका संप्रत्यय समझ में आएगा, और वो आएगा, निश्चित आ जाएगा, काफ़ी ईजी है, बस आपको अपना दिमाग को शांत रखकर पेशेंस के साथ बैठ के सुनना है, तो आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। एक एक टॉपिक, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आप मेरे चैनल के माध्यम से अगर पढ़ रहे हैं तो कि आपको उसमें आप पढ़ लें और आपको लगे कि यार मैं क्या पढ़ा, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मुझे नहीं समझ में आया, निश्चित ही आप कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए। तो एंड जो आपका है ये क्या है, एक्लेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और डायरेक्टिव। तो एक बार जब आपको ये पता लग जाएगा कि निर्देशात्मक क्या है, अनिर्देशात्मक क्या है, तो निश्चित आप डिफरेंस तो अपने से भी कर लेंगे, ठीक। ये हो गया आपको थर्ड यूनिट में इतना पढ़ना है, काउंसलिंग क्या है और उसके बाद इसके टेक्निक्स। फोर्थ यूनिट में बात करें तो फोर्थ यूनिट में मेनली आपको टेस्ट के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपको पढ़ना है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड के बारे में पूरी चीज़ों को पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेट भी देखेंगे हम, ठीक। ये तो आपका निश्चित रहेगा। इसके बाद जो टेस्ट हैं, स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज दोनों आपको पढ़ने हैं, स्टैंडर्डाइज नॉन स्टैंडर्डाइज दोनों पढ़ना है। इसके अलावा थोड़े और डिटेल में इसके अंदर जाएंगे तो एक इंटरव्यू पढ़ना है और दूसरे नंबर पर क्वेश्चनायर पढ़ना है। क्वेश्चनायर बहुत इजी है और इंटरव्यू भी काफ़ी आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। ये अभी आपको देखने में लग रहा है, जब आप उसके अंदर पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पहले भी इन सबको पढ़ चुके हैं तो कोई उतना डिफिकल्टी नहीं होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इसका फॉर्मेट, और ये मैंने आपको जो है, जैसा कि मैंने हर एक पेपर में आपको पेपर एनालिसिस करा दिया था तो इसी का बचा रह गया था, तो ये मैंने आपको लिख करके बता दिया है। अब धीरे धीरे आपको इसकी वीडियोज़ भी मिलना जो है स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन उन सब के लिए जो है
आपको सबसे पहला बात यह है कि आपको फोकस होकर के पढ़ना होगा, तभी आपको कोई भी चीज़ समझ में आएगी। और अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कि उसके ऊपर वर्क करिए, उसको बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर हमारी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं तो उसको हमें कॉमेंट करके बताया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, और चैनल के साथ अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहिए। जय हिंद।